हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे मशरूम मसाला जो कि बिल्कुल 5 मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि देखने में कितनी डिलीशियस लग रहा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल रख देंगे गर्म होने के लिए, और अब इसमें हम ये कटे हुए मशरूम को डालकर थोड़े से फ्राई कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना फ्राई किए हुए बना सकते हैं। ये फ्राई हो गए हैं तो अभी इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम थोड़े सा शिमला मिर्च और थोड़े से बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज को डालकर भी हम फ्राई कर लेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट इसे हम इसमें फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। ये मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से खड़े मसाले जैसे जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, 1 सूखी मिर्च। और जब मसाले चटक जाए थोड़े से तो हम डाल देंगे 2-3 कटी हुई हरी मिर्ची, आप अपने हिसाब से डालें जितना तीखा खाते हैं। उसके बाद 2 बारीक कटा हुआ प्याज हम डाल देंगे इसमें, और इन सब को अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज हमारे थोड़े से भून जाएंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन। जब लहसुन को भी अच्छे से इसमें भून लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटा हुआ टमाटर, आप टमाटर का प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। बस जब तक टमाटर गलेंगे तब तक हम इन्हें भून लेते हैं। देख सकते हैं हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। अब बारी है इसमें हम डालेंगे मसाले, बिल्कुल बेसिक से मसाले यूज़ करेंगे जैसे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, ये किचन किंग मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर, और हाँ हमने इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाला है। और अब इस सबको हम फटाफट भून लेंगे। मसालों को हमें अच्छी तरह से भूनना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल करके हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाले हमारे भून जाएं तो हम इसमें डाल देंगे ये मशरूम जिसे हमने फ्राई किया था, और मसालों को हमने कम से कम 5 से 7 मिनट तक भुना है। ध्यान रखिए मसाले जब तक अच्छी तरह से नहीं भुनेंगे तब तक वैसा टेस्ट नहीं आएगा। ये देख सकते हैं हमने मसाले के साथ मशरूम को 2 से 3 मिनट पका लिया। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। और अब इसे हम ढक करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये 3 से 4 मिनट हमने लगभग इसे पका लिया है, ये पूरी तरह से हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने फ्राई किया था प्याज और शिमला मिर्च को, और उसके बाद हम फिर इसे 3 से 4 मिनट फिर से पका लेंगे। उसके बाद हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। देख सकते हैं इसे हम ढक देंगे और 4 से 5 मिनट इसे हम फिर से पकाएंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें
और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। ये देख सकते हैं हमारे मशरूम मसाला बनकर रेडी है, बिल्कुल देखने में ही कितनी डिलीशियस लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।